तब सांड को भी गुस्सा आया, क्रोध आया, आकर पीछे पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम, बे प्लस में दम, बिना दम के, बे क्या हो गया उपसर्ग और दम क्या हो गया मूल शब्द, बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय, वी प्लस में जय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों ने उसे छोड़ दिया। देखो आगे इसमें इसने बताया है हीरा ने, मोती अपने सांकेतिक, संकेत प्लस में इक, संकेत मूल शब्द है और इक क्या है प्रत्यय, भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। यह सब ढोंग हीरा ने तिरस्कार किया, उसे मना किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो ये भी भारतीय संस्कृति का एक आदर्श है कि हारे हुए शत्रु पर दया भाव दिखाना। तो यहां पर हीरा जो है सांड को छोड़कर भारतीय संस्कृति के उस आदर्श को दिखाता है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वे जो है युद्ध में अपने हारे हुए शत्रु को दया करके छोड़ देते थे। तो उसी तरह से यहाँ दिखाया गया है कि दया करके हारे हुए शत्रु को छोड़ देना एक वीर का जो है, एक वीर पुरुष का काम होता है। तो यहाँ उस वीरता को उसको दिखाया गया है। यह सब ढोंग है, बैरी को मारना चाहिए फिर न उठे। लेकिन मोती क्या कहता है कि नहीं, ये वीरता की, ये इनकी बातें मुझे जो है समझ में नहीं आती, मुझे तो ये समझ में आता है कि हारे हुए शत्रु को जो है जान से खत्म कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा न उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। अब जो हीरा वो कहता है कि ये सब छोड़ो, अब घर कैसे पहुंचना है ये सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत, दोबारा दोनों जो है मटर के खेत में पहुंच जाते हैं। मोती उसमें घुस गया, हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो चार ग्रास, ग्रास होता है निवाले, जैसे हम खाने की कोर कहते हैं ना कि दो कोर, तो उसी तरह से ग्रास निवाला कि दो चार निवाले ही खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़, मेड़ होता है जो हम डोड़ा बोलते हैं ना हरियाणवी में, खेत की जो चारों तरफ का मेड़ होती है उसको हम डोड़ा बोलते हैं, तो वो मेड़ होती है, मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। अब जो हीरा है वो तो खेत का जो डोड़ा है, मेड़ है, उसके बिल्कुल पास था तो वो निकल गया, लेकिन जो मोती था खेत में पानी दिया हुआ था, सींचा हुआ खेत था, मिट्टी गीली थी तो वो खेत के अंदर था, वो उसके अंदर धस गया। फंसेंगे तो दोनों, उसके खुर कीचड़ में धसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी, संग प्लस में ई, संगी संकट, संकट मुसीबत, मुसीबत में है, तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों। अब हीरा जो है देखो मोती को छोड़कर नहीं भागता। क्वेश्चन आता है कि पाठ में ऐसे प्रसंग कहाँ कहाँ आए हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो पूरे चैप्टर में ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो है दिखाए हैं प्रेमचंद ने जिससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती है। फंसेंगे तो दोनों, रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कौंजी हंस में बंद कर दिए। अब ये कौंजी हंस क्या है? कौंजी हंस है जहां पर आवारा पशुओं को बंद रखा जाता है, उस स्थान का नाम है।